जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद द लीडर्स अब लीडर्स के साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है दैट इज फॉर द डाटा कलेक्शन एंड द लीडर्स नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा ताकि वो ओपन बुक मैनेजमेंट की तरह तमाम लोगों से शेयर कर सकें कि उन्होंने किस एविडेंस को किस प्रॉब्लम के लिए वो क्यों यूज किया सो so, उस ट्रांसपेरेंट होने के लिए उस एविडेंस बेस्ड होने के लिए देर आर सर्टन सर्कमस्टांसिस थ्रू इसी तरह डेटा एनालिसिस के लिए लीडर को अपना वक्त एनर्जी वो लगाने हैं और उसको यह भी देखना होगा कि उसकी इंट्यूशन द सेंस वो उस डेटा कलेक्शन के साथ कहां पर एंड कहानाइज है बाजात हमारे लिए एनालिसिस सिर्फ काफी नहीं होता वी हैव टू सी कि हमारे जो इंट्यूशनल सिग्नल्स हैं विच आर बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंस एक्सपोजर एंड एजुकेशन वो हमें क्या बता रहे हैं सो लीडर को इन तमाम बातों को एवेल्यूएट करना है क्रिटिकली अप्रेज करना है एनालाइज करना है और अगर वो इनको अप्रेज और एनालाइज नहीं कर पाएगा तो उसके लिए वो एविडेंस शायद उतना करामत ना हो द थर्ड लेवल जहां पर कॉस्ट हमारी इनकर होगी दैट वुड बी रिलेटेड विद द मेंबर्स एंड द मेंबर्स नीड टू गो फॉर चेंजिंग देयर बिहेवियर उनको एक बिहेवियरल शिफ्ट में आना पड़ेगा उनको बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी और उस बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में नो डाउट

लेकिन ये सब कॉस्ट जो हमने बियर की दिस इज गोइंग टू गिव अस बेनिफिट एज वेल जब हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बेनिफिट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन को बेहतर करने में उनको फायदा हासिल होगा सो दीज आर द थिंग्स जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सिस को यूज करती है अगर हम लीडर के हवाले से बात करें तो बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द लीडर आर बेसिकली और हर एनहांसमेंट इन क्रेडिबिलिटी उसकी गुडविल बेहतर होती है लोगों के साथ उसका उस चूज वो किया और उस एविडेंस को चूज करने के जो मकासदे वो क्या थे उससे जो लीडर की क्रेडिबिलिटी है वो बेहतर होती है और उसकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो भी इनहस हो पाएगी थर्ड लेवल पर जब हम बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वी कि उस प्रॉब्लम को, को हल करने के लिए या क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लेकर आने के लिए सो so, मेंबर्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगी और उस सेटिसफेक्शन से उनकी लॉयल्टी एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन वो बेहतर से बेहतर होती है So we have to see एक एविडेंस के साथ जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं कौन कौन सी कॉस्ट हैं कौन कौन से, से और कॉस्ट वर्सिस करेंगे बेनिफिट वुड बी मोर देन दॉ सो दैट इज द एविडेंस दैट वी है साथ साथ देर आर सर्टेन चैलेंज एसोसिएटेड विद एविडेंस बेस्ड द फर्स्ट चैलेंज इज द

कि जब हमने उस एविडेंस को ऑपरेशनलाइज करना है जब हमने उसको इंप्लीमेंट करना है तो हमारा एविडेंस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता देर आर सर्टिन कंडीशन जो आड़े आ जाती हैं और उन कंडीशन की वजह से वी आर अनएबल टू एग्जीक्यूट ऑपरेशनलाइज दैट एविडेंस टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम द थर्ड चैलेंज वी नीड टू लुक एट इज बेसिकली लैक ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल और क्रिटिकल अप्रेजल जब हम करते हैं किसी एविडेंस का तो हमें उसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली विजुलाइज़ करना पड़ेगा और यह बात देखनी पड़ेगी कि उस एवेल्युएशन में हम उस एविडेंस को कलेक्ट कर सकें जो एविडेंस हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को बुरुए कार वो ला सके अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि चैलेंजेस का सामना हमें लाइफ में करना होगा और साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कॉस्ट्स और बेनिफिट्स क्या एसोसिएटेड हैं एंड नो डाउट हमारा फैसला इस बात पर होगा कि जब एक एविडेंस के बेनिफिट्स बेहतर हो और कॉस्ट रिलेटिवली वो कम हो थैंक यू